टेक्निकल वीडियोस, अनबॉक्सिंग रिव्यूज और इंडियन पीपल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्रेस कीजिए इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल का सब्सक्राइब बटन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आप जुड़े रहें इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं विनोद, आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी। और मेरे पास है एक कीबोर्ड जो है जेब्रोनिक का, और आप देख सकते हो यहाँ पे इसको मैंने परचेज किया सेल में। और अभी देख लेते हैं फ्लिपकार्ट की जो सेल चल रही थी अभी फिलहाल, और इसको कर देते हैं अनबॉक्स। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा होगा यहाँ पे कीबोर्ड, और ये ग्रोस अमाउंट 285 और यहाँ पे टैक्सेबल जो वैल्यू थी वो 241 और जीएसटी के साथ 43.47 पैसे के हिसाब से 285 और 40 रुपीज इसका जो डिलीवरी चार्ज था वो, और 325 में कम्प्लीटली ये पड़ गया मुझे। पैकिंग जो थी इसमें एकदम मस्त तरीके से की गई थी, और जिससे कि इसको कोई नुकसान ना हो सके। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कीबोर्ड का जो निशान है इस तरफ, और यहाँ पे जेब्रोनिक ऑलवेज अहेड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, और नीचे की तरफ इसका मल्टीमीडिया कीबोर्ड ZDV-KM2100 और बाकी नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये इंटरफेस यहाँ पे मल्टीमीडिया कीज कम्फर्टेबल एंड साइलेंट स्विच, और नीचे की तरफ इंटरफेस जो है ये यूएसबी सपोर्टेड है, और टोटल नंबर ऑफ कीज हैं इसमें 114 है, और मल्टीमीडिया जो कीज हैं वो है 12 यहाँ पे, और केबल लेंथ जो है 1.2 मीटर है आपको यहाँ पे दिख रही होगी। विंडोज एक्सपी विस्टा 7, 8, 10 और इस तरह से डायमेंशन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और इसका जो वेट है वो है 352 ग्राम्स। और बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो माय कंप्यूटर का ऑप्शन मिल जाएगा, होम का मिल जाएगा, ईमेल का, म्यूट का, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम की जो डाउन है वो इस तरह के मिल जाएंगे आपको, स्टॉप का, प्ले पॉज, स्लिप का, पावर का, यूएसबी और मॉड्यूलर डिजाइन है, यूवी प्रिंटेड कीज है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको कर देते हैं ओपन। तो इसको बॉक्स हो गया खाली, और इसको रख देते हैं साइड में फिलहाल, और इसके साथ में तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे ऊपर होम है, जीमेल है, पॉज का है, स्टॉप का है, नेक्स्ट है, और ये रिवाइंड का बटन है, जो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन है इस तरह से, म्यूट का है ऑप्शन यहाँ पे, और ये पीसी का है, यहाँ पे स्लिप का है, इस तरह से लाइट जो ज़्यादा कम है वो सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे, और रुपीज़ का जो मार्क होता है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल जो कीज आपको मैंने बताई थी यहाँ पे ये है कम्प्लीटली 114, और साथ में जो मल्टीमीडिया कीज हैं वो 12 है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डाटा केबल जो यूएसबी केबल यहाँ पे यूज हो रही है वो 1.2 मीटर है, तो मतलब काफी लंबी है कुल मिला के। और यहाँ पे बाकी आपको बटन्स मिल जाएंगे देखने के लिए, यहाँ पे नंबर्स और कैप्स लॉक और ये स्क्रॉल, यहाँ पे सारी लाइट्स आ जाएंगी अपने आप LED। और बैक साइड में जाते हैं इसके, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा वारंटी वॉइड इफ टेम्पर्ड, मतलब यहाँ से इसको हटा दिया तो उसके बाद इसकी वारंटी जो है खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये दो, यहाँ पे दोनों साइड दिए गए हैं, ये है एक तरह का स्टैंड जो, और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक फर्क पड़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब टाइम है इसको टेस्ट करने का, तो मैं इसको टेस्ट करूंगा फिलहाल अभी अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास है S96 Pro Plus, और इसके अंदर मैं इसको चेक करूंगा फिलहाल जो मेरे पास कीबोर्ड है, और इसको कर दिया इन फिलहाल, और इसको नीचे रख देते हैं नहीं तो ये गिर सकता है। और फिलहाल मैंने इसके साथ जो माउस है वो भी कर रखा है कनेक्ट, तो अभी देखते हैं ऊपर चल के काम करेगा कि नहीं करेगा।
ओके दोस्तों, अभी आते हैं वापस यहाँ पे। एक ऐप थी मैंने डाउनलोड करके थी यहाँ पे, जो तो यहाँ पे ये ऐप आपको दिख रही होगी दोस्तों। इसके ऊपर हम चेक करेंगे यहाँ पे टाइपिंग स्पीड और ये एंड्राइटिंग बॉक्स है जिसके ऊपर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे करेक्टर प्रैक्टिस दी गई है यहाँ पे, और अभी मैं रख देता हूँ इसको नीचे। जैसे ऊपर लिख के आ रहा है एस, तो मैं यहाँ पे एस प्रिंट करता हूँ, उसके बाद वी आ गया तो वी प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे प्रेस करता हूँ डब्ल्यू, एक्स आ गया दोबारा से, फाइव आ गया तो फाइव, इस तरह से सेवन आ गया, एट, टू। ठीक है दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी कि आप एंड्रॉइड, और वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में करें शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।